हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूवर्ड सक्सेस पर। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे जो एशियन गेम हुए हैं अभी रिसेंटली, आज ही खत्म हुए हैं 2 सितंबर को, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और हमारे एग्जाम के व्यू से और पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जो दोस्त हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस उन तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें 18th एशियन गेम्स थे जो अभी रिसेंट में हुए हैं, अभी हाल ही में हुए हैं। ये 18वें एशियन गेम थे जिनको हम जकार्ता और प्लेम बैंक 2018 के नाम से भी जानते हैं। और ये 2014 के जो एशियन गेम थे ये हुए थे इंचियन साउथ कोरिया के अंदर, और जो 2022 के यानी कि आने वाले जो गेम हैं 2022 के 19th एशियन गेम ये होंगे हांगझाउ चाइना के अंदर। सबसे पहले जो 18th वाले गेम हैं अभी जो हुए हैं ये वियतनाम के अंदर होने थे, लेकिन वियतनाम ने किसी कारण की वजह से मना कर दिया कि हम यहाँ पर गेम नहीं करा सकते। तो ये फिर उसके बाद जकार्ता प्लेम बैंक के अंदर हुए। ये दोनों सिटी ने होस्ट किए हैं। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है और प्लेम बैंक जो है कैपिटल ऑफ साउथ सुमात्रा की राजधानी है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ये फर्स्ट टाइम दोनों सिटी हैं फर्स्ट टाइम होस्ट किया है इन्होंने। और जकार्ता में पहले भी जो एशियन गेम है वो हो चुके हैं, 1962 के अंदर जकार्ता के में एशियन गेम हो चुके हैं पहले भी, लेकिन दोनों के अगर दोनों में सम्मिलित रूप से देखें तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब एशियन गेम इन दोनों के अंदर होस्ट किए गए हैं। ओपनिंग और जो क्लोज सेरेमनी थी वो हुई, जो गेम थी गेम की ओपनिंग और जो क्लोज सेरेमनी हुई थी ये हुई गैलेरिया बैंक कार्नो मैन स्टेडियम जकार्ता के अंदर। ओपनिंग भी वहीं पर हुई और क्लोज भी वहीं पर हुए। और जकार्ता जैसे मैंने बता दिया इंडोनेशिया की राजधानी है, और आप इस स्टेडियम को ऐसे याद रख सकते हैं जीबीके स्टेडियम। ठीक है, जीबीके स्टेडियम जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है गेम की। गेम को जो ऑफिशियली ओपन किया गया वो प्रेसिडेंट ऑफ जोको विडोडो, यानी कि जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के जोको विडोडो, इन्होंने इसको ओपन किया फर्स्ट टाइम। इसके अंदर दो स्पोर्ट हैं जो ई स्पोर्ट और कैनोई पोलो। ये ऐसे गेम हैं जो खेले तो गए एशियन गेम्स के अंदर, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन के लिए, दिखावन के लिए, और इसके इनके लिए इनको कोई भी खिलाड़ी को जो भी है जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया उन्हें कोई भी मेडल किसी भी तरीके का मेडल उनको नहीं दिया गया। ये सिर्फ दिखावे के रूप में इनको प्रदर्शित किया गया। और जो इस बार का ऑफिशियल सॉन्ग था वो था एनर्जी ऑफ एशिया ऑफिशियल सॉन्ग था पूरे गेम का। टॉर्च रिले जैसा कि हर एक गेम के अंदर होता है, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो पैरालंपिक हो, कोई भी गेम हो किसी भी तरीके का, उनके अंदर एक टॉर्च यानी कि जो मशाल जलाई जाती है वो जलाई गई। और जो इसको जलाया सुनाती ने। और ये कौन है? ये है इंडोनेशिया की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, और जो मशाल थी सबसे पहले जलाकर आई भारत के अंदर 15 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में सबसे पहले जो गेम हुए थे एशियन गेम, सबसे फर्स्ट टाइम जो एशियन गेम हुए थे वो नई दिल्ली के अंदर ही शुरू किए गए थे। और ये जो मशाल थी ये आई मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद ये 17 अगस्त को बहुत सारी कंट्री के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सबके अंदर ये मशाल गई। उसके बाद ये 17 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया के अंदर वापस चली गई। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, और ये इस बार का 73rd जो था इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस था। गेम के जो मस्कट थे शुभंकर जिनको हम कहते हैं वो थे भिन भिन अतुंग और काका। और इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ये जिस कंट्री के अंदर होते हैं वहाँ की संस्कृति और कल्चर को दर्शाते हैं। भिन्न भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न भिन्न कूटनीति और रणनीति को दर्शाता है, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स को दर्शाता है। और अतुंग जो कि हिरन है ये गति और वहाँ की जो स्पीड और नेवर गिव अप स्प्रिट के बारे में दर्शाता है, मतलब कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमारी एक गति होनी चाहिए, ये उसको दर्शाता है अतुंग। अगर तीसरे नंबर की बात करें काका दर्शाता है पावर को, शक्ति को दर्शाता है। नेशनल पार्टिसिपेट जितने भी नेशंस थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थे 45, और एथलीट ने जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो थे 11,720।
और पूरे गेम के अंदर 462 इवेंट हुए 40 खेलों के अंदर। अब की बार 10 नए गेम इंट्रोड्यूस हुए एशियन गेम के अंदर। ये वो गेम नहीं है जैसे पहले हमने दो देखे थे, उनको मेडल नहीं मिले थे, लेकिन इनमें मेडल भी दिए गए। तो ये 10 न्यू गेम हैं और कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। पहला है पैनकॉक, दूसरा है जुजुत्सु और तीसरा है सेम्बो। पहले इनके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ये तीनों ही मार्शल आर्ट्स गेम हैं, तीनों ही मार्शल आर्ट्स गेम हैं। और पैनकॉक है इंडोनेशिया का, जुजुत्सु है जापान का और सेम्बो है रसिया का। और तीनों ही क्या है, ये मार्शल आर्ट्स गेम है। और बाकी आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी अगर कभी पूछ ले तो आप इनको याद रख सकते हैं। चार चौथा हुआ पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोलर स्पोर्ट, जेट स्कीइंग, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज और क्रॉस और बास्केटबॉल। इंडिया की बात करें एशियन गेम में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनने के चांस होते हैं वो यहीं से होते हैं, इंडिया की क्या पोजीशन रही, क्या क्या चीज़ें हुई इंडिया के साथ में, तो ये भी देखते हैं इंडिया एशियन गेम में क्या पोजीशन रही। सबसे पहले बात करते हैं जो फ्लैग बेरर होते हैं, ध्वजवाहक। तो इस बार के जो ध्वजवाहक थे, ओपनिंग सेरेमनी दोनों होते हैं, ओपनिंग और क्लोज। तो ओपनिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक थे वो थे नीरज चोपड़ा, जो कि है एथलीट और जेवलिन थ्रो के एथलीट हैं, ये भाला फेंकते हैं और ये हरियाणा से आते हैं। और जो क्लोज सेरेमनी के जो फ्लैग बेरियर थे ध्वजवाहक थी समाप्ति की, तो वो थी रानी रामपाल और ये हमारी हॉकी की वुमेन हॉकी की कैप्टन है। इंडिया की रैंक अगर हम बात करें जो मेडल तालिका है उसके अंदर, एट है, आठवीं है। और सबसे ज़्यादा अगर टॉप पे बात करें तो वो है चाइना, चाइना ने 132 गोल्ड जीते और ये टॉप पर है। इंडिया की ओर अगर हम जाने इंडिया के बारे में, तो गोल्ड जीते हैं 15, सिल्वर जीते हैं 24, ब्रॉन्ज जीते हैं 30 और टोटल जीते हैं इन्होंने 69। तो ये सब आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड विनर की, अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन जाता है, कई बार गोल्ड विनर पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजरंग पुनिया की, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, बजरंग पुनिया एक रेसलर हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है और ये रहने वाले हैं हरियाणा के। आप स्टेट भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे स्टेट और इन्होंने किस खेल में ये गोल्ड मेडल जीता है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं विनेश फोगाट, इन्होंने भी वुमेन्स रेसलिंग में पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और ये कहाँ से आती हैं, ये भी हरियाणा से आती है। तीसरे नंबर पर है सौरभ चौधरी और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है और ये मेरठ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। और सबसे जो यंगेस्ट कह सकते हैं, जो 16 ईयर ओल्ड के हैं, इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से एशियन गेम में, ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। और रानी सरनोबैट जो कि 25 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और ये मेरठ यूपी से नहीं है, ये कहीं और से हैं, ये बाय मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से हैं, ये है कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर की, ये मेरठ से नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, ये मेरठ से नहीं है, यूपी से नहीं है, ये है कोल्हापुर महाराष्ट्र की। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी है जिन्होंने एशिया के अंदर, एशियन गेम के अंदर एयर पिस्टल में कोई गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करते हैं, एक गेम होता है रोइंग का, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं नाव चलाते हैं सम्मिलित रूप से चार व्यक्ति, तो इसके अंदर हैं सुवन सिंह, दत्तू बोखनल, ओम प्रकाश एंड सुखमीत सिंह, इन्होंने चारों ने जीता है गोल्ड मेडल रोइंग के अंदर। रोहन बप्पन्ना एंड दिविज शरण, इन्होंने जीता है लॉन टेनिस मेंस डबल के अंदर गोल्ड मेडल। तजिंदर पाल सिंह, इन्होंने सूट पुट जो होता है गोला फेंक उसमें जीता है गोल्ड मेडल, पंजाब के रहने वाले हैं। और इनके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, इन्होंने जो एक गोला फेंका ये फेंका है 20.75 मीटर का, और इससे पहले जो ओम प्रकाश करहना थे उन्होंने फेंका था 20.69 मीटर। तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है एशियन गेम के अंदर, यानी कि भारत का पुराना रिकॉर्ड था किसी ने अगर गोला फेंका था तो वो था 20.69 मीटर, जो कि फेंका था ओम प्रकाश करहना ने, और नेशनल इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है 20.75 मीटर गोला फेंक कर, और ये किया है तजिंदर पाल सिंह ने। नीरज चोपड़ा जो कि हमारे फ्लैग बेरियर थे, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और ये रहने वाले हैं पानीपत हरियाणा के।
अरपिंदर सिंह जो कि एथलीट हैं मेंस ट्रिपल जंप में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये आते हैं पंजाब से। मनजीत सिंह जो कि 800 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये आते हैं हरियाणा से। सर्वपन्ना बरमन, इन्होंने वुमेन्स हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता है और ये वेस्ट बंगाल से आती हैं। जो हेप्टाथलॉन होती है इसके अंदर 7 गेम होते हैं, 7 इवेंट होती हैं, और जो जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी इसका जो पार्टिसिपेंट होता है सबसे ज़्यादा जो स्कोर करता है उसको दिया जाता है गोल्ड मेडल। जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है और ये आते हैं केरला से। एक इवेंट होती है वुमेन्स 4x400 जो कि एक तरह की रेस होती है, और इसमें जीता है हेमा दास ने, MR पवमा और सरिता बेन एंड VK विसमया ने, इन्होंने संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स 4x400 रिले के अंदर। अमित पहंगल, इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और बताऊं आपको मैं, ये 2016 में इन्होंने जिसको हराया, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने की चीज़ें हैं कि 2016 में जो ओलंपिक विनर था हसन बोए, उसको इन्होंने हराया है, जो कि रहने कहाँ के वाला था, ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, जो कि विनर था 2016 ओलंपिक का, तो उसको इन्होंने हराया है। 15 नंबर पर देखें तो ये है पर्णम बर्धन और शिवनाथ सरकार, इन्होंने मेंस पेयर ब्रिज के अंदर जो कि कार्ड्स यानी कि जो ताश होते हैं उनका गेम होता है, इन्होंने दोनों ने जीता है गोल्ड मेडल मेंस पेयर ब्रिज के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर हम सिल्वर और ब्रोंज मेडल की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, आप चाहें तो उन्हें उनके जो प्लेयर हैं जिन्होंने भी जीते हैं उनके नाम याद रख सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, ऐसा पूछ सकता है कि कहाँ से कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, ये प्लेयर क्या खेलता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये एशियन गेम का कंप्लीट एनालिसिस था आपके साथ। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।